हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय। ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है XHTML का और CSS का, जिसमें हम लोग आपको बताऊंगी टैग्स के बारे में। सबसे पहले टैग्स क्या होते हैं। जो भी हम HTML में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि पैराग्राफ यूज़ करना है हमें, तो देखिए उसके लिए हम अलग अलग तरह के टैग यूज़ करते हैं, और टाइटल्स के लिए अलग टैग यूज़ करते हैं, बॉडी के लिए अलग टैग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे टैग्स से मिलकर बना होता है हमारा HTML। तो सबसे पहला टैग मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए लिखते हैं हम लेस देन का साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे और फिर लिखेंगे डॉक टाइप। इस तरह से डॉक टाइप HTML, इससे ये पता चलता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। तो देखिए उसके बाद हम क्या लगेंगे, सबसे पहले HTML टैग लगाएंगे। HTML टैग लगाया हमने, अब देखिए इसे क्लोज करना होगा। HTML को क्लोज करेंगे। HTML जहाँ हमने ये लिखा है HTML, ये स्टार्टिंग है HTML का और ये एंडिंग होगी। जो भी इसके अब जो भी हम कोड लिखेंगे वो इन दोनों टैग्स के बीच में आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग, सबसे पहले हमें टाइट चाहिए हेड। हेड में टाइटल, सर्च बार, ये सब आता है हमारा, तो वो आता है हेड के अंदर। तो हम लिखेंगे हेड और फिर इस हेड को क्लोज करेंगे। जो भी टैग आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले, यूज़ करने से पहले, उसके अंदर कुछ भी लिखने से पहले उसे क्लोज़ ज़रूर कीजिएगा, वरना फिर आपको एरर शो करेगा। और फिर देखिए इस हेड के अंदर हम लोग सबसे पहले लेंगे टाइटल और टाइटल को भी क्लोज़ करेंगे। और देखिए इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई वेबसाइट। इस तरीके से आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो आपके टाइटल में आ जाएगा। और इसे सेव करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और इसे नेम देंगे जो भी आप देना चाहें, न्यू वन, न्यू डॉट HTML, HTML एक्सटेंशन से सेव करेंगे। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी, डेस्कटॉप में करते हैं सेव। सेव करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक न्यू फाइल हमारी बन गई, और जिसमें आपका ब्राउज़र का लिंक जैसा आ रहा है, ब्राउज़र का साइन आ रहा है, क्योंकि हमारे HTML को पहले ही HTML जो भी रन होता है हमारा वो सब ब्राउज़र में रन होता है, इसलिए आपका ब्राउज़र पहले ही डिटेक्ट कर लेता है ये HTML फाइल है, ये सब ये ब्राउज़र में खुलेगी। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो देखिए ये हमारी एक नई फाइल खुल गई, और जिसमें देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टाइटल में दिस इज़ माई वेबसाइट। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि बॉडी के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी हमने यहाँ पर कोड किया है, अभी जो भी हम कोड करेंगे वो हमारी इस जगह बॉडी पे शो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।